सेंट्रल एथलेटिक्स कोचिंग कैंप के लिए गोरखपुर मंडल के विभिन्न जिलों के सभी खेलों के लिए 400 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए 78 बच्चों का ट्रायल के आधार पर मंडल मुख्यालय पर चयनित किया गया। विभिन्न मंडलों में केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए जिनका चयन प्रदेश के विभिन्न मंडलों के मुख्यालय पर हो रहा है, जिसमें 78 बच्चों का चयन हुआ है। केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए गोरखपुर में कुश्ती में प्रदेश के 30 बालक और 30 बालिका का कैंप लग रहा है। 15 दिन के कैंप को 11 मई से शुरू होकर के 24 मई तक चलेगा। ट्रेनिंग कैंप में फाइनल सिलेक्शन के बाद चयनित बच्चों को स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल में चयन किया जाएगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जरूरी जैविक प्रमाण पत्र, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहां से जारी किया जाता है, वह जरूरी होगा, ताकि इसके आधार पर बच्चों का चयन में उम्र की घालमेल ना हो पाए। जिसके संबंध में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने बताया कि सेंट्रल एथलेटिक्स कोचिंग कैंप में सभी खेलों को मिलाकर 400 बच्चों ने भाग लिया और 400 बच्चों में से केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए 78 बच्चों का मंडल मुख्यालय पर चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुश्ती का सेंट्रल कोचिंग कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें 30 बालक और 30 बालिका कुश्ती में भाग लेंगी। यह कैंप 11 मई से 24 मई तक आयोजित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा, पकड़ लिए हो, कुछ नहीं डूबेगी, वो टप्पर मारेंगे डूबे नीचे। चलो चलो पकड़ो, नहीं यहाँ पकड़ना, इधर चलो भाई, ये पकड़ो, चलो शाबाश बेटा, देखिए सेंट्रल कोचिंग कैंप के लिए सभी खेलों में मिलाकर करीब लगभग 400 बच्चों ने इसमें भाग लिया, और 400 बच्चों में से केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए जिनका आयोजन प्रदेश के विभिन्न मंडलों मुख्यालयों पर हो रहा है, उसमें लगभग 78 बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है बच्चों की कि पूरे प्रदेश से, जहाँ गोरखपुर से केवल 78 बच्चे चयनित किए गए हैं विभिन्न खेलों में, और यहाँ गोरखपुर के अंदर सेंट्रल कोचिंग कैंप कुश्ती का लग रहा है, जिसमें 30 बालक पहलवान कुश्ती के और 30 बालिका पहलवान जो हैं वो कुश्ती की इसमें भाग ले रहे हैं। ये कैंप जो है 15 दिन का है, 10-11 तारीख से आज से स्टार्ट हुआ है
और ये 24 तारीख तक कैंप चलना है। इस प्रकार से हमारा जो यहाँ के कुश्ती के बच्चे हैं उसमें इनको यहाँ पर इस जोर आजमाइश का मौका मिला है और इसमें सघन ट्रेनिंग दी जाती है, कोचेज़ इनके ऊपर लगाए गए हैं और बच्चों के सभी यहीं व्यवस्था की गई है। तो 15 दिन की गहन प्रशिक्षण के बाद इसमें से अंतिम रूप से फिर इनका ट्रायल होगा और अंतिम रूप से ट्रायल जो होगा फिर उसके जो छात्रावास में जितने स्थान होंगे उसके अनुसार मेरिट के अनुसार फिर बच्चों को छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है। इसी प्रकार जो स्पोर्ट्स कॉलेज है उसमें 12 साल तक के बच्चों का चयन होता है, वो प्रारंभिक ट्रायल्स चयन ट्रायल्स उनका यहाँ हो गया है और उसके लिए 12 साल से कम की आयु के लिए जैविक प्रमाण पत्र जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा जारी किया जाता है उसमें बच्चों का ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है, वो उसके उपरांत ही उनको इसमें टेस्ट में एंटरटेन किया जाता है। तो इस प्रकार से ताकि उसमें कोई अधिक उम्र एज के बच्चे जो हैं भाग न लें और बच्चों के में एक एज ग्रुप की समानता रहे, तो ये इसी साल से लागू किया गया है ताकि बच्चे कम एज करा के अपने इस एज ग्रुप में ना आए। इसलिए सही मापदंड अपनाते हुए स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भी चयन किया गया है प्रारंभिक स्तर पर। अब उनका उसका मुख्य परीक्षा होगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार से अभी तक हमारा जो परफॉर्मेंस है 78 बच्चे जो चयनित हुए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छी है और हमें बहुत आशा है कि हमारे जो बच्चे अभी हम जो प्रारंभिक स्टेज पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लेके बढ़ रहे हैं, हमें आशा है कि बहुत ही जल्दी हम एक साल के अंदर जो ट्रेनिंग हम देंगे उस बच्चों से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग अभी जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रतिभा कोच के लिए देहात क्षेत्र में भी तहसील वाइज खेल कराएंगे और उसमें जो बच्चे अच्छे निकलेंगे और अच्छे आएंगे उनको हम चिन्हित करके जो ज़िला स्तर पे हमारा स्टेडियम है उनके आने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि यहाँ आके वो ट्रेनिंग लें और एक अच्छे उसके आगे प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के पर जाकर अपनी प्रतिभा का चयन कराएं और आगे एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में निकल जाएं। हमारा ऐसा प्रयास है।